हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है समता शुक्ला, और बच्चों मैं क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है आप सभी को। कितने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, इसके बाद हमें आज कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ना है, जानना है। तो बिना समय नष्ट किए हुए चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि पौधों में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जा रहा है। हम लोगों का क्लास 12th का चल रहा था बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। कितने प्रकार का पाया जा रहा है आप सभी को मैंने बता दिया था कि विखंडन, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, मुकुलन, है ना, ये सब अलग अलग तरीके के मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पाए जा रहे हैं पौधों में और जंतुओं में। अब हम बात करेंगे कायिक जनन की यानी कि अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन का ही पार्ट है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक। इस कायिक प्रवर्धन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का पाया जाता है आप सभी को जानना है कि ये कायिक प्रवर्धन जो है बच्चों ये पाया जा रहा है आपका दो प्रकार का। एक तो है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। और दूसरे तरीके का जो जनन पाया जा रहा है बच्चों उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन होता क्या है, कायिक जनन यानी कि शब्द पे ध्यान देंगे, कायिक यानी कि उसके काया से, उसकी बॉडी से ही, वो जो पौधा है उसकी बाह्य अंगों से ही कुछ ऐसा प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है जिससे आप ये मानेंगे कि उससे जनन हो जाएगा यानी कि दूसरे पौधे का निर्माण हो जाएगा। दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, पौधे का कोई अंग अथवा उसका मॉडिफाइड पार्ट यानी कि रूपांतरित भाग क्या होता है, पेरेंट प्लांट से अलग होकर यानी मात्र पौधे से अलग होकर के क्या बनाता है, एक नया पौधा बना लेता है। तो पौधे का जो कायिक भाग होता है, कायिक भाग पौधे के कौन कौन से होते हैं, पौधे का कायिक भाग, पौधे का कायिक भाग, पहले ये जानेंगे कि पौधे का कौन कौन सा कायिक भाग होता है। देखिए आपका जड़, जड़ क्या है पौधे का, कायिक भाग है। फिर आपका तना, तना भी पौधे का क्या है, कायिक भाग है, वेजिटेटिव पार्ट है। उसके बाद फिर आपका आता है पत्तियां, पत्तियां भी आपकी जो है कैसी हैं, उसका वेजिटेटिव पार्ट है एक पौधे का। फ्लावर क्यों नहीं, क्योंकि फ्लावर वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, फ्लावर तो बच्चों सेक्सुअल पार्ट है, ठीक है। तो विभिन्न नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो विधियां हैं उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहला आपका आ जाता है बच्चों भूमिगत तना, क्या आ जाता है आपका, भूमिगत तना, ठीक। पहला आपका इसमें आ जाता है भूमिगत तना, ठीक, यानी कि हम बात करेंगे पोटैटो ट्यूबर की, ठीक। इस तरह से आप चित्र भी बना सकते हैं, हम पोटैटो ट्यूबर की बात करेंगे। इसमें क्या होता है जिसको कहते हैं हम, अब भूमिगत तना कितने तरह का पाया जा रहा है, एक तो भूमिगत तना, इसमें क्या है तने का मुख्य भाग और कुछ भाग क्या करता है, भूमिगत वृद्धि करता है यानी जो तना है
वो कुछ ऐसा भाग है जो भूमिगत यानी जमीन के नीचे वृद्धि करता है, और एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले यानी कि फूड स्टोर करने वाले पार्ट के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है यानी कि रूपांतरित हो जाता है। तो ये क्या है, पोटैटो ट्यूबर आपका क्या है, ये आपका तने का भूमिगत रूपांतरित भाग है। क्या है, भूमिगत रूपांतरित भाग, ठीक, ये आपका तने का भूमिगत रूपांतरित भाग है, यानी कि कुछ तने का भाग ऐसा है जो भूमिगत जिसने विकास किया उसमें भोजन का स्टोरेज हुआ, यानी कि जो उसने खाना बनाया था वो उसके तने में इस तरह से स्टोर हो गया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वो भूमिगत भी है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है कंद, ठीक, जिसमें इस पर क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और उससे क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है, या जो शाखाएं निकलती हैं वो सॉयल से बाहर आकर के नए पौधे का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। इसमें ए आपका आ जाता है कंद, जिसे हम कहते हैं ट्यूबर, ठीक, कंद को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, यानी कि पोटैटो ट्यूबर। तो आलू के कंद पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका आलू है, ठीक, आप सभी के घरों में पाया जाता है, और आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका आलू का कंद यानी आलू जो तने के रूप में आपके पास सब्जी के रूप में घरों में आता है उस पे क्या होती है, आंखें होती हैं, साधारण भाषा में उनको हम आंखें कह सकते हैं, और वही क्या होती है, आपकी जर्मिनेटिंग आई बड कहलाती है, यानी कि कक्षस्थ कलिका कहलाती है, ठीक। तो ये जो कक्षस्थ कलिका होती है बच्चों, ये शल्क पत्रों से या स्केली लीव्स से ढकी हुई होती है, क्या है, स्कार ऑफ स्केल लीफ, यानी जो शल्क पत्र होती हैं उससे ढकी होती है ये आई बड्स, ठीक। और उसके बाद ये कक्षस्थ कलिका कैसा, जब अनुकूल मौसम आता है यानी कि जब अंकुरित होकर के वो नया पौधा बना लेती है, ये आपकी आई, इसको साधारण भाषा में आई कहते हैं, पर ये आपका जर्मिनेटिंग आई बड होता है ये, ठीक, ये जब मौसम अनुकूल होता है ना। अब किसी भी प्रकार का प्रजनन आप सभी देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रजनन जो है वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही होता है। तो जब इसको मॉइस्चर का कंटेंट और टेम्परेचर का कंटेंट, जब जनन के अनुसार सब कुछ परफेक्ट कंटेंट यानी कि एकदम अनुकूल मौसम इसके पास आएगा, तो ये आपका जो आईज हैं आलू की वो जर्मिनेटिंग हो जाएंगी और कुछ नए पौधे के धीरे धीरे निर्माण कर लेंगी। अब इसको आप चाहें तो इस आलू को कट करके, जो ये आई बड वाला पार्ट है, इसको अगर आप पौधे को जमीन में रोपित करते हैं तो एक नया पौधा इससे आपका तैयार हो जाता है, यानी एक ही आलू से बहुत सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कायिक जनन को क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये हम लोगों का हो गया कंद का एग्जाम्पल। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात करेंगे आपके राइजोम की, और जिसे हम कहते हैं प्रकंद। ये हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आलू के बारे में बात कर ली यानी कि हमने कंद के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रकंद यानी कि राइजोम के बारे में। ये कैसा होता है, ये आपका भूमिगत क्या है, तना, ये आपका भूमिगत तना यानी कि भूमि के अंदर कैसा, समानांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। किस तरीके की वृद्धि करता है बच्चों, ये समानांतर या क्षैतिज वृद्धि, यानी वर्टिकल नहीं, ये नीचे की तरफ नहीं जाता जमीन में, ये आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है। किस तरीके की वृद्धि करता है, हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है। और इस पर क्या होती है बच्चों, आप सभी देख रहे हैं, इस पर क्या होते हैं, इंटर नोड्स और क्या होती हैं, नोड्स होती हैं, यानी कि पर्व और पर्व संधियां होती हैं। क्या होते हैं, पर्व होती हैं और पर्व संधियां होती हैं। इस तरीके के तनों पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। संधियों से शब्द से आप समझ सकते हैं कि
जोड़, और दो जोड़ों के बीच की जो जगह होती है वो कहलाता है पर्व। आज सभी ने अदरक का टुकड़ा देखा होगा, तो अदरक के टुकड़े में बच्चों आपको इस तरीके का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि ये कोई अदरक का टुकड़ा है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये जो संधि है यहाँ पे जहाँ जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका नोड, ठीक, यही है आपका नोड, और इन दो नोड्स के बीच की जो जगह है वही आपका इंटरनोड कहलाते हैं, है ना। ये पर्व संधियां हैं और ये आपका पर्व कहलाता है। तो पर्व संधियां कैसी होती हैं? पर्व संधियां जो होती हैं बच्चों, ये आपकी स्केली लीव्स से ढकी हुई होती है, यानी कि शल्क पत्रों से ढकी हुई होती हैं। कैसे ढकी हुई होती हैं? शल्क पत्रों से ये ढकी हुई रहती हैं। और इसमें क्या मिलती है बच्चों? इसी में आपको मिलती है कक्षस्थ कलिका। स्केली लीव्स के अंदर आपको मिलती है इसी के कक्षस्थ कलिका। अंदर मिलती है आपको क्या? कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका, ठीक। अब इसी कक्षस्थ कलिका से क्या होता है आपका? इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी कक्षस्थ कलिका थी, स्केल लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है, और इसमें आपका नया पौधा डेवलप करने लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका बच्चों जिंजर, यानी कि अदरक का टुकड़ा और हल्दी। अदरक और हल्दी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अदरक हल्दी, अदरक की भी गांठें पाई जाती हैं और हल्दी की भी गांठें पाई जाती हैं। कैसा होता है? भूमिगत तना होता है, इसमें समानांतर या क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। अब जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो जो पर्व संधियां होती हैं उस पे क्या पाई जाती हैं बच्चों? स्केली लीव्स पाई जाती हैं, और उन स्केली लीव्स के अंदर मिलती हैं आपकी कक्षस्थ कलिकाएं। अनुकूल परिस्थितियां आने पे यही कक्षस्थ कलिकाएं बढ़ करके एक नया पौधा डेवलप कर लेती हैं, नया पौधा डेवलप कर लेती है। यानी कि ये आपका किस प्रकार से हुआ? ये आपका प्राकृतिक रूप से हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के होने वाले जनन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं ट्यूबर, और दूसरा हो गया आपका राइजोम। ठीक, आगे की बात करते हैं बच्चों। ये जैसा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम कॉर्म या घन कंद। ये आपका थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी कि घन कंद, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? आपने अपने आसपास ये सब देखा हमेशा है, पर कुछ इसको जब आपको एग्जाम में लिखने की बात आती है तो इसको आपको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ता है। ये कैसा होता है? ये भी होता है आपका भूमिगत तना। कैसा होता है? भूमिगत। ठीक, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है? अरबी का एक टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसा होता है? भूमिगत होता है, यानी कि जमीन के नीचे इसकी ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी बच्चों नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स, यानी कि पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। ये आपको जब आप कोई भी अरबी का टुकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको क्लियर ये दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पे पर्व हैं यहाँ पे और कहाँ पे पर्व संधियां हैं, यानी दो निशान के बीच की जो जगह होती है उसे हम पर्व कहते हैं, और वो निशान जहाँ पे होते हैं उन निशानों को हम पर्व संधियां यानी कि नोड्स कहते हैं। ठीक, ये भी कैसी होती है बच्चों? ये भी स्केल लीव्स यानी कि शल्क पत्रों से ढकी हुई होती हैं। ये भी कैसे ढकी हुई होती हैं? शल्क पत्रों से ढकी हुई होती हैं। ठीक, और इन शल्क पत्रों से ढकी हुई होती हैं, इसके अंदर भी कक्षस्थ कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और उसमें क्या, जैसे ये देखिए आपका डॉटर कॉर्म, यानी कि पेरेंट बॉडी से एक नया डॉटर कॉर्म डेवलप होने लगा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? घन कंद कहते हैं। इसे ही हम घन कंद या कॉर्म कहते हैं। तो ये पेरेंट कॉर्म था, ये था आपका पेरेंट कॉर्म, और पेरेंट कॉर्म में ही जुड़ करके आपका एक डॉटर कॉर्म डेवलप होने लगा। इस तरीके का जो प्रोपगेशन पाया जा रहा है, जिसमें आपका
किस चीज का इंतजार होता है? केवल अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार होता है, ठीक है। उसमें आपका एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप होने लगती हैं, यानी अपस्थानिक जड़ें भी छोटी छोटी निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बच्चों, अरबी, अरबी। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिमीकंद। देखा आप सभी ने है इसको, बस केवल पढ़ने की बात है। ये आपका आता है बंडा, बंडा भी एक प्रकार की सब्जी होती है। तो ये भी हो गया आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बच्चों चौथे प्रकार के प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की, जिसे हम कहते हैं, आप सभी जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बल्ब। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बल्ब, बल्ब, ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शल्क कंद, शल्क कंद, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, शल्क कंद कहते हैं। अब इस शल्क कंद में क्या है, ये भी क्या है बच्चों, ये तने का रूपांतरण है, क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ये भी क्या है आपका, तने का रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आप सभी को पता है कि अगर प्याज कुछ दिनों के लिए छोड़ दी जाए घर में और उसको मॉइस्चर कंटेंट मिले, यानी अनुकूल वातावरण मिले, उसको थोड़ा सा नमी मिले और टेम्परेचर भी अगर सही मात्रा में मिले, तो बरसात के मौसम में खास तौर पे आपका उस प्याज के साथ क्या होता है, क्या बदलाव आता है उस प्याज के अंदर, वो हमें देखना है। ये है तने का वो रूपांतरण है, जहां तना कैसा हो जाता है, अत्यंत छोटा हो जाता है, और इस तने के चारों ओर, इस तने के चारों ओर ये क्या है आपका, बल्ब है, यानी कि ये आपका शल्क कंद है, ठीक। अब इसके चारों ओर, ठीक, ये क्या आती है, इसके चारों ओर आपकी रूपांतरित पत्तियां होती हैं, है ना, ये रूपांतरित पत्तियां होती हैं, रूपांतरित पत्तियां, ठीक। यानी कि जो आपका प्याज का जो आप खाते हैं पार्ट, वो क्या होती है, आपकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, ठीक। अब चारों ओर ये स्थित भोजन जो है शल्क कंद, ये क्या करता है, भोजन का स्टोरेज करके, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसका स्टोरेज करके, ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, आप सभी को पता है कि उस प्याज के अंदर क्या होता है, रस होता है, तो वो रसीले हो जाते हैं और गूदेदार हो जाते हैं, यानी फ्लैशी हो जाते हैं, है ना, कुछ उनके अंदर गूदेदार यानी फ्लैशी हो जाते हैं और रस भी होता है प्याज के अंदर। उसके बाद क्या होता है, शल्क पत्रों के कक्ष में यहाँ पे अंदर क्या होती है आपकी एक्सिलरी बड्स, यानी कि कक्षस्थ कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सभी में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, कक्षस्थ कलिका प्रेजेंट होती है अनुकूल वातावरण आने पर, ठीक। यही कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधे को जन्म दे देती हैं, ठीक, नए पौधे को जन्म दे देती हैं, ठीक, कब, अनुकूल परिस्थितियों के आने पर। एग्जाम्पल आपका इसका क्या है बच्चों, सिंपल इसका आपका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा प्याज, और आपका लहसुन भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन जो हो रहा है उसमें चौथा आपका पार्ट है शल्क कंद, यानी कि बल्ब। इसमें भी आपका ये भी आ गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब ये तो जो हम पहले बात कर रहे थे वो भूमिगत तनों की बात कर रहे थे, तो पहला जो आपका पार्ट था वो था आपका भूमिगत तना, ठीक, जो आपका पहला पार्ट था वो था आपका भूमिगत तना, जो पहला आपका पार्ट था वो था आपका भूमिगत तना, भूमिगत तना, ठीक। अब हम दूसरे की बात करना शुरू करेंगे, ये जो दूसरा है बच्चों ये है आपका अर्धवायवीय तना, यानी कि सेमी एरियल स्टेम। कैसा है, अर्धवायवीय तने के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ जो तना है वो आपका आधा वायु में होता है और आधा जमीन के अंदर होता है। कैसा होता है, आधा वायु में और आधा जमीन के अंदर। अब इस अर्धवायवीय तने में भी कई प्रकार के होते हैं,
अब चूंकि आप 12th क्लास में हैं, तो डिफरेंशिएट करके अलग अलग आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। अब इसमें ये तना कैसा होता है बच्चों, ये भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है, यानी कि जमीन के साथ साथ चलता है और हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है। कैसी ग्रोथ करता है? क्षैतिज वृद्धि। इसमें हर इंटरनोड से क्या होता है, जड़ें और शाखाएं निकलती हैं। इसमें आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, ये नोड्स हैं, ठीक। तो नोड्स से क्या निकलती हैं, आपकी जड़ें और शाखाएं निकलने लगती हैं। इसमें पहला आपका है बच्चों अर्धवायवीय तने में ए है आपका ऊपरी भूस्तारी, ठीक। क्या है आपका? ऊपरी भूस्तारी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रनर। कोई भी वर्ड आता है तो वर्ड पे ही अगर एक बार आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रनर का मतलब जमीन के साथ साथ भागने वाला, ठीक। रनर ऑफ ग्रास, फिर हम देख रहे हैं रनर ऑफ सेंडिला एस्टालिका। अब इसमें क्या है बच्चों कि ये तना कैसा होता है, पहला पॉइंट इसका ये कैसा होता है, विसर्पी। कैसा होता है? विसर्पी, यानी कि जमीन के साथ साथ सांप की तरह रेंग कर चलने वाला तना विसर्पी होता है, और मृदा के बाहर की ओर ये क्षैतिज रूप से मिलता है, यानी जमीन के ऊपर ये आपको बिछा हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक पर्वसंधि से यानी हर नोड से क्या होता है, जड़ें निकलती हैं। हर नोड से क्या होता है, नोड से आपकी निकलेंगी जड़ें, और क्या निकलती हैं बच्चों, प्ररोह निकलता है, इसी से आपका तना भी निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्ररोह कहते हैं। अंदर की जड़ें अंदर की तरफ चली जाती हैं और जो प्ररोह है वो ऊपर की साइड निकलता है, और यही वृद्धि करके क्या करता है बच्चों, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है एकदम प्राकृतिक रूप से, ठीक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों दूब घास, का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका दूब घास, और यानी कि ग्रास है ना, यानी कि ग्रास, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका खट्टी बूटी, जिसे हम ऑग्रेलिस कहते हैं। सेंटिला भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या? सेंटिला भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका एक तीसरा एग्जाम्पल और है जिसे हम कहते हैं खट्टी बूटी, साधारण भाषा में इसे हम खट्टी बूटी कहते हैं, और इसी को ऑग्जेलिस कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑग्जेलिस कहते हैं, ठीक। शकरकंद भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो हम अर्धवायवीय तने के बारे में बात करें, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट आपका देखा ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों भूस्तारी की। देखिए उसके बाद सेकेंड टाइप जो आपका अर्धवायवीय तने का आता है वो आपका आता है भूस्तारी। भूस्तारी जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, ठीक। भूस्तारी, आइए देखिए इसमें किस तरह से वृद्धि होती है और कैसे एक नया पौधा जन्म लेता है। इनमें प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें और वायवीय भाग निकलते हैं, यानी कि हर नोड से क्या होता है आपका, जड़ें निकलती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स का निर्माण हो रहा है और उसी से शूट का भी यानी कि प्ररोह का भी निर्माण हो रहा है। नीचे जड़ों का विकास हो रहा है और उसी जगह से ऊपर की तरफ आपका शूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये भूस्तारी यानी स्टोलन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है ना, तो प्रत्येक एरियल पार्ट से यानी प्रत्येक वायवीय भाग से एक नया पौधा बन जाता है। यहां से ये टूट जाता है तो ये क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण कर देता है, ठीक। ये कैसा, एक नया पौधा आपका निर्माण कर देता है। इसका एग्जाम्पल आपका है बच्चों स्ट्रॉबेरी, स्टोलन ऑफ स्ट्रॉबेरी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने स्ट्रॉबेरी का पौधा देखा है तो वो किस तरह से ग्रोथ करता है ये आप देख सकते हैं, या आप अपने घर में अपने गमले में एक बार इसको लगा करके भी देख सकते हैं कि इसमें नया पौधा कैसे बन जाता है, एक स्ट्रॉबेरी के पौधे से
कई नए पौधे बनके तैयार हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपका है, इसका एग्जाम्पल आपका केला भी इसका एग्जाम्पल है और स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल है। यानी केले में भी इसी प्रकार से नया पौधा डेवलप हो जाता है। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। आगे हम बात करेंगे, ये आप एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हैं और ये चित्र आप अगर बनाना चाहें तो आप जरूर बना सकते हैं। चित्र बनाने से हमेशा ही नंबर बढ़ते हैं बच्चों, कटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आपने चित्र बनाया और एग्जाम्पल लिख दिया तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे तीसरे प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है प्राकृतिक रूप से, उसको हम कहते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों ऑफसेट, उसे हम क्या कहते हैं ऑफसेट। ठीक, अब ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सारे ही जलीय पौधों में, यानी कि कैसा होता है जलोद्भिद, कैसा होता है जलोद्भिद। तो जलोद्भिद होने के कारण इनकी जो पर्व संधियां होती हैं यानी कि इनकी जो नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं जल के अंदर, यानी कि जल में निमग्न होते हैं, जल में डूबे हुए होते हैं। और हर एक नोड से पत्तियों का एक क्या निकलता है बच्चों, समूह निकलता है। आप इस तरह से चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पे पत्तियों का समूह निकल रहा है। ये क्या है, पत्तियों का समूह, एक पत्ती नहीं निकलेगी यहाँ पे, पत्तियों का पूरा समूह निकलता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, ये मात्र पौधे से अलग होकर के, यानी जो आपका मदर प्लांट है इससे अलग होकर के एक नया पौधा बना लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों समुद्र सोख या जलकुंभी। ठीक, हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल है और पिस्टिया भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको जलकुंभी है ना, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जल कुंभी। एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक बार समुद्र में जलकुंभी का इतना प्रकोप हुआ कि जलकुंभी क्या करता है, पानी के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींच लेता है और बहुत तेज इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बहुत तेजी से, तो इसी को हम, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, इसका दूसरा नाम आपका समुद्र सोख भी है, इसका दूसरा नाम आपका समुद्र सोख भी है। इस एक बार इससे क्या हुआ था, बहुत सारी मछलियां मर गई थी समुद्र में क्योंकि उनके पास कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे थे। इसका एक और एग्जाम्पल पिस्टिया भी है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका पिस्टिया भी है, जैसा कि आप इसमें ऊपर चित्र में देख पा रहे हैं, है ना, पिस्टिया, ये आपका हो गया। ठीक, इसमें ये ऑफसेट होता है और ये नया पौधा जो है ये बनके तैयार हो जाता है, जो आपका नया पौधा होता है ये बनके तैयार हो जाता है। कौन सा, नया पौधा। ठीक, यानी कि किस तरह से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ना, प्राकृतिक रूप से ये हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भूस्तारिका या ऑफसेट कहते हैं। फिर हम बात करेंगे बच्चों सकर प्लांट के बारे में, यानी अंतः भूस्तारी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ये हम बात करेंगे अंतः भूस्तारी के बारे में। ठीक, हम किसके बारे में बात करेंगे, अंतः भूस्तारी के, यानी कि चौथा जो आपका पार्ट है वो है आपका अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी यानी कि सकर प्लांट, कैसा, सकर प्लांट। ठीक, इसमें क्या होता है, जो मुख्य तना होता है वो मृदा के भीतर यानी जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अ सकर ऑफ क्राइसेंथमम यानी कि गुलदाउदी। आप सभी ने देखा है गुलदाउदी एक पुष्पीय पौधा है, गुलदाउदी में ग्रोथ कैसे होती है ना, एक छोटा सा पौधा होता है और उसमें इस तरह से ग्रोथ देखी गई है
कि मुख्य तना मृदा के भीतर यानी जमीन के अंदर क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जब हो रहा होता है तो हर एक नोड से एक नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल आता है ना, एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते करते ही। इसका एग्जाम्पल इसमें ये हूबहू क्लोन्स बनाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन्स का यानी अपने ही मात्र पौधे के जैसे दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका है बच्चों पुदीना, जिसे आप मेंथा अरवेंसिस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है पुदीना, जिसे आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेंथा अरवेंसिस। ठीक, अब क्लासिफिकेशन में किस तरह से नाम लिखने हैं ये सब आप पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो मेंथा अरवेंसिस जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मिंट, उसमें भी इसी तरीके की ग्रोथ देखी गई है। ये भी मेंथा का ही एक स्पीसीज है, जिसे हम कहते हैं मेंथा और पाइपरेटा। ठीक, ये भी इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आपका मैंने बताया ही कि क्राइसेंथम यानी कि गुलदाउदी है। ठीक, इसमें भी क्या होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, और जिसमें आपका हूबहू मात्र पौधे की तरह ही नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से जड़ों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, यानी कि कुछ पौधों में जड़ों से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, यानी कि सी आपका है रूट्स से, यानी जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा। प्राकृतिक, कायिक प्रवर्धन, यानी कि जड़ के द्वारा आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पाया जा रहा है। कुछ पौधों में जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जैसे आपका हो गया शकरकंद, सतावर, डहलिया। इसमें क्या है कि जड़ों पर आपकी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, यानी कि कक्षस्थ कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और जो करती हैं एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, यानी। और उसके अलावा फिर बच्चों लीव्स से, उसके बाद फिर आपका पत्तियों से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है ना। पत्तियां जो होती हैं तो पत्तियों से भी आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा एक पत्ती होती है जिसे हम कहते हैं अजूबा, कुछ इस टाइप की पत्ती होती है। तो हर एक यहां से नया पौधा निकलता है ना, हर एक जगह से यहां से नया पौधा निकल जाता है। तो ये भी आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का ही एक भाग है। बच्चों आज हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना, और कुछ मोड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पढ़े। एक दो बाकी रह गए हैं, उसके बाद फिर हम अगली कक्षा में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लास 12th में है तो थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।